Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. डीबी कूपर 1971 में नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की परवाज 306 को टेक ऑफ हुए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि सीट नंबर 18C में बैठे मुसाफिर ने एयर होस्टेस को बुलाया और उसके हाथ में एक पर्ची थमा दी। उस पर्ची पर जो चंद अल्फाज लिखे थे उनसे पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। इस वाकये की इब्तिदा 24 नवंबर यानी अमरीकी यौम तशक्कुर से एक रात कबल पोर्टलैंड ओरेगन के हवाई अड्डे से हुई, जहां 3-piece सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्राउन शूज में मलबूस एक शख्स ने सिएटल वॉशिंगटन जाने के लिए $20 की एक वन वे टिकट खरीदी। टिकट काउंटर पर आमियानी होलिये में खड़े इस शख्स का कद 6 फुट था, उम्र लगभग 40 साल थी और इसका नाम डैन और डीबी कूपर था। उस जमाने में एयरपोर्ट्स पर मेटल डिटेक्टर्स और सिक्योरिटी चेक्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए कूपर ने अपने ब्रीफकेस, एक छोटे पेपर बैग और 35 मुसाफिरों के हमरा फ्लाइट को डायरेक्टली बोर्ड कर लिया और प्लेन की सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। अब तक सब कुछ मामूल और उसके मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। वो बिल्कुल इत्मीनान से फ्लाइट टेक ऑफ होने का इंतजार कर रहा था। लुत्फ अंदोज होने के लिए उसने एक सिगरेट जलाई और अपने लिए बर्बन और सोडा भी ऑर्डर किया। टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद उसने एक एयर होस्टेस को बुलाया और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में एक पर्ची थमा दी, जिस पर लिखा था, मिस, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ जाएं। ये पढ़कर एयर होस्टेस के चेहरे का रंग उड़ गया। बोइंग 727 हाईजैक हो चुका था। कूपर ने उसे अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाया। लाल रंग की 4 डायनामाइट स्टिक्स के 2 सेट और तारों का गुच्छा देखकर वो खौफ में मुब्तला हो गई और चुपचाप कूपर के बराबर में आकर बैठ गई। उसने कूपर के मुतालबात तहरीर किए और उसकी हिदायत के मुताबिक उन्हें जहाज के कैप्टन के पास ले गई। कूपर ने तावान में 4 पैराशूट्स, एक रिफ्यूलिंग ट्रक और $20 बिल्स के बंडल्स के सेट में $2,00,000 की डिमांड की थी। पायलट ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इत्तला दी और बताया कि जब तक इन तमाम चीजों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक कूपर फ्लाइट को लैंड नहीं करने देगा और अगर किसी ने कोई चालाकी की तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। ये खबर सुनकर एयरपोर्ट पर तहलका मच गया। FBI ने कूपर की सारी शर्तें मानने का फैसला किया और पैसों का इंतजाम करने के लिए मोहलत मांगी। इस दौरान जहाज पर ये ऐलान करवा दिया गया कि एक मामूली तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट ताखीर से लैंड की जाएगी। अगले आधे घंटे के बाद वो लोग सिएटल पहुंच गए और कूपर की हिदायत के मुताबिक अगले 2 घंटे तक प्लेन एयरपोर्ट के चक्कर लगाता रहा। उधर इन 2 घंटों के दौरान FBI ने एक स्काई डाइविंग स्कूल से 4 पैराशूट्स मंगवाए और सिएटल फर्स्ट नेशनल बैंक से $20 की शक्ल में $2,00,000 का इंतजाम किया और उनके सीरियल नंबर नोट कर लिए ताकि आगे चलकर कभी ये पैसे खर्च हुए तो कूपर को पकड़ा जा सके। शाम 5:24 पर जब तमाम चीजों का बंदोबस्त हो गया तो कूपर ने दूसरे तैयारों से दूर एक खाली रनवे पर जहाज को लैंड करने का हुक्म दिया और लैंडिंग से पहले सारे शीशे बंद करवा दिए ताकि कोई बाहर से ये ना देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। जब सिएटल के टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड हुआ तो फॉरन प्लेन की रिफ्यूलिंग का काम शुरू कर दिया गया और एयरपोर्ट मैनेजर प्लेन के पिछले दरवाजे से मतलूबा रकम और पैराशूट्स लेकर आ गया और बदले में कूपर ने तमाम मुसाफिरों और 2 एयर होस्टेसेस को जाने की इजाज़त दे दी। इन मुसाफिरों में से किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़ी कि जिस तैयारे से वो लोग उतर रहे हैं उसे यरगमाल बना लिया गया था। मुसाफिर तो रिहा हो गए लेकिन कूपर ने जहाज के अमले को बतौर जमानत अपने साथ रोक लिया, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट, एक एयर होस्टेस और एक फ्लाइट इंजीनियर शामिल थे। जब जहाज रिफ्यूल हो गया तो दोबारा टेक ऑफ से पहले कूपर ने अपनी कुछ नई शर्तें सामने रखी। पहली शर्त ये थी कि उसे मेक्सिको ले जाया जाए। पायलट ने उसे बताया
कि वो सिएटल से डायरेक्ट मेक्सिको नहीं जा सकते और उन्हें बीच में फीनिक्स एरिजोना या रीनो नेवाडा में रुककर प्लेन को रिफ्यूल करना होगा। इन दोनों ऑप्शंस में से कूपर ने रीनो में उतरने पर इत्तेफाक किया। दूसरी शर्त ये कि प्लेन की पिछली सीढ़ी को खुला रखा जाएगा, मगर ऐसा करने से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता था। इसलिए पायलट ने मशवरा दिया कि जब वो हवा में आ जाएंगे तो वो बाद में सीढ़ियों को खोल देगा। तीसरी शर्त, प्लेन की स्पीड 200 माइल से कम रहेगी और ऊंचाई 10,000 फीट रहेगी। चौथी शर्त, प्लेन का लैंडिंग गियर दौराने सफर खुला रहेगा। और पांचवी शर्त ये कि प्लेन के दोनों फ्लैप्स 15 डिग्री तक झुके रहेंगे। कूपर की ये सारी शर्तें भी मंजूर कर ली गईं और एक बार फिर फ्लाइट 305 ने रीनो के लिए टेक ऑफ किया। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, इस पर नजर रखने के लिए इसके पीछे यूएस एयरफोर्स के 2 F-106 फाइटर तैयारे भी रवाना किए गए। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद कूपर ने अपने साथ बैठी एयर होस्टेस से कहा कि वो बाकी अमले के साथ कॉकपिट में जाकर दरवाजा लॉक कर दे और उसके बाद कूपर को कोई डिस्टर्ब ना करे। दरवाजा बंद करने से पहले एयर होस्टेस ने कूपर को आखिरी बार देखा। वो प्लेन के बीचों बीच खड़ा था और अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था, शायद पैराशूट या पैसों से भरा बैग। तकरीबन 8 बजे के करीब कॉकपिट में एक लाइट ब्लिंक होने लगी, जिसका मतलब ये था कि प्लेन के पिछले दरवाजे और सीढ़ियों को खोला गया है। ये देखकर कॉकपिट से बाहर निकलने की हिम्मत तो किसी में नहीं हुई, मगर पायलट ने इंटरकॉम के जरिए कूपर से रابطہ करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 10 मिनट बाद प्लेन का एयर प्रेशर अचानक तेजी से ड्रॉप हुआ और एक जोरदार झटके से सबके कान सुन हो गए। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। 2 घंटे बाद प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड हुआ। लैंडिंग होते ही FBI के जवानों ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही वो कूपर को गिरफ्तार करने के लिए अंदर दाखिल हुए, एक खाली तैयारे ने उनका इस्तकबाल किया। ऑफिसर्स ने पूरे प्लेन का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें 2 पैराशूट्स, 8 बुझी हुई सिगरेट्स और क्लिप लगी एक ब्लैक टाई के अलावा कुछ नहीं मिला। पैसे, 2 पैराशूट्स, बॉम्ब और कूपर का कहीं नामो निशान नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो सिएटल से रीनो के बीच पैराशूट पहनकर पैसों समेत रात के अंधेरे में प्लेन से कूद गया था। अमले से तफ्तीश के दौरान जब FBI को एयर प्रेशर ड्रॉप होने और प्लेन का दरवाजा खुलने के बारे में पता चला, तो उन्होंने रूट और टाइमिंग से कूपर की ड्रॉप लोकेशन का हिसाब लगा लिया और इस वाकये की वसी पैमाने पर मिशन नॉर्जैक के नाम से तहकीक का आगाज किया। लेकिन शुमाल मगरबी अमरीका के घने जंगलों और लुइस नदी में कई हफ्तों तक जारी रहने वाली तलाश नाकाम रही, क्योंकि उस घने जंगल में कूपर को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। FBI आज तक यही मानती रही कि कूपर ने जिन हालात में प्लेन से छलांग लगाई थी, उन हालात में उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन था। जिस वक्त कूपर प्लेन से कूदा, उसके पास अपनी हिफाजत के लिए कोई सामान नहीं था, मसलन हेलमेट, जैकेट या दस्ताने वगैरह। उस वक्त बहुत तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से पैराशूट को कंट्रोल करना नामुमकिन था। और तो और, पैसों से भरे उस बैग का वजन 10.5 किलो था। अगर वो लुइस नदी में बैग समेत गिरा तो यकीनन इस बोझ तले डूब गया होगा, और अगर उसे तैरना आता भी था तब भी नवंबर के मनफी दर्जे हरारत में उसका खून जम गया होगा। लेकिन इन थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस पर शक और सवालात उठाए गए, क्योंकि ये महज अंदाजे थे और ठोस सबूत के साथ तसल्ली बख्श जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। इस परफेक्ट क्राइम के लिए दुनिया भर में कई लोग DB कूपर को हीरो मानते हैं, जिसने FBI जैसे इदारे की आंखों में ऐसे धूल झोंकी कि वो उसकी खाक छानते रह गए। और ये सवाल एक मुअम्मा बनकर रह गया कि वो खुफिया शख्स आखिर कौन था जो हवा में उड़ते प्लेन से ऐसे खोया कि फिर कभी नहीं मिला। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।